बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी साइंस का आज हमारा आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। और इसके अंदर हमने कुछ मिल्कर डाल्टेशन टेस्ट देखे हैं। इसमें हम बेसिकली थोड़े से बायोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे कि मिल्क जो कंटेमिनेट हो जाता है ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से कुछ डिजीजेज आती हैं जिनको मिल्क बोन डिजीज कहा जाता है। पहला पॉइंट देखिएगा, मिल्क बोन डिजीज इज ए ट्रांसमिसेबल डिजीज फ्रॉम कंटेमिनेटेड मिल्क एंड कैन बी स्प्रेड एदर डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल और इनडायरेक्टली थ्रू एयर एंड पोल्यूटेड वाटर। कि मिल्क बोन डिजीज सिंपली जो मिल्क की वजह से ट्रांसमिट होंगी, कंटेमिनेटेड मिल्क होगा उसकी वजह से जो ट्रांसमिट होंगी एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें ये है कि मिल्क की वजह से भी हो सकती है, और ये भी है कि मिल्किंग की, मिल्क की वजह से हाथ पे आ गया वो जरासीम और आगे वो कहीं और मतलब शिफ्ट हो गया, या जो है पहला काज मिल्क बना और उसके बाद कोई भी सरफस वो मिल्क जमीन पे गिरा, उधर कोई दूसरा एनिमल आके बैठ गया, आपके हाथ को लगा, वो हाथ अपने नाक को लगा लिया, वो आपके अंदर इंजेक्शन होगी, ठीक है। या एक एनिमल से दूसरे एनिमल को, आपने एक FMD के एनिमल को मिल्किंग की, उसके बाद अगले एनिमल पे चले गए उसकी मिल्किंग की, तो पहले एनिमल का जो जरासीम था, जो वायरस था, वो दूसरे एनिमल को लग गया, तो मिल्क बोन डिजीज हो गई ना ये। इट कैन कम फ्रॉम एनी एनिमल। रॉ मिल्क कैन कैरी डेंजरस जर्म्स सच एज ब्रूसेला, कंपाइलोबैक्टर, क्रिप्टोस्पोरिडियम, इकोलाई, लिस्टेरिया एंड साल्मोनेला। जो आमतौर पे ज्यादातर मिल्क के बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से हैं जी? ब्रूसेला, कंपाइलोबैक्टर, क्रिप्टोस्पोरिडियम, इकोलाई, लिस्टेरिया और साल्मोनेला। और ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप की डिजीजेस करते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो ये खतरनाक हैं, जूनोटिक डिजीज हैं ये। तो उसके बाद देखिएगा कि टाइफाइड एंड पैरा टाइफाइड फीवर आर जनरली रेकोगनाइज एज फूड बोन एंड वाटर बोन इलनेस, बट मिल्क बोन इन्फेक्शन हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। टाइफाइड और पैरा टाइफाइड, टाइफाइड आपको पता है फीवर ये तो बड़ा फेमस है इंसानों में, चले ब्रूसेला का तो हम जैसे लोगों को ज्यादा पता होता है जो वेटनरी से रिलेटेड है, लेकिन टाइफाइड का तो एक आम भी बंदे को पता होता है कि यार टाइफाइड बुखार हो गया है, ठीक है। तो टाइफाइड और पैरा टाइफाइड फीवर आमतौर पर समझा जाए ये जाता है कि ये फूड की वजह से है या पानी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से है, लेकिन ये मिल्क बोन इन्फेक्शन भी है, मिल्क की वजह से भी होता है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज जनरली अ ह्यूमन कैरियर अमंग डेयरी इंडस्ट्री वर्कर्स एंड पास्चुराइजेशन इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग साल्मोनेला टाइफी एंड पैरा टाइफी। आमतौर पे वो बता रहे हैं कि इन्फेक्शन जो है वहां पे जो वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करने का जरिया बन रहे हैं, और जो बेस्ट मेथड है इनको खत्म करने का वो पास्चुराइजेशन है। पास्चराइजेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पास्चराइजेशन में भी रह जाते हैं, जिसके लिए हमें फिर UHT करना पड़ता है, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। स्पोर फार्मिंग, ठीक है, एक दो एंजाइम भी रह जाते हैं वो हमने देखा था, तेज एंजाइम खत्म हो जाता है, और इसको चेक करने के लिए भी मिल्क पास्चराइज है कि नहीं, फास्फेटेज यूज किया जाता है। उसी प्रोसेस अब हम जो आमतौर पे हम किसी बैक्टीरिया को जज करने के लिए करते हैं, तो ब्रूसेला आपको पता है जूनोटिक इंपोर्टेंस की बहुत ज्यादा डिजीज है, और ये अबॉर्शन काज करती है फीमेल्स में और मेल में ऑर्काइटिस ये करती है। तो ब्रूसेला इज ए कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ जूनोटिक इंपोर्टेंस विच काजेज मेनली अबॉर्शन इन कैटल एंड अंडुलेंट फीवर, ठीक है, अंडुलेंट फीवर एंड स्टीरिलिटी इन ह्यूमंस। मिल्क इज ए, हाँ जी, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में करती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो हमने पढ़े थे ना। मिल्क इज ए गुड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। अब इसका जो करना होता है टेस्ट बिल्कुल सिंपल है, इसमें एंटीजन होती है बैंग रिंग एंटीजन, ब्रूसेला वाटर्स बैंग रिंग एंटीजन वो यूज होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क सैंपल्स
एज अचीव अप्रोक्सीमेटली 25 mm हाइट, मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने इतना लेना है कि 25 mm हाइट हो जाए, 25 mm 5 cm, ठीक है, 25 mm में 2.5 cm होते हैं, और 2.5 cm का 1 inch होता है, ये ऑलमोस्ट 1 inch हाइट तक बता रहा है, और साथ में 30 microliter, माइक्रोलीटर को उसने आगे मजीद कन्वर्ट किया 0.03 ml ऑफ ब्रुसेला बॉटस बैंग रैंग एंटीजन केयरफुली। तो ये देखिएगा कि मतलब दो चीजें और बड़ी कम क्वांटिटी में मिलानी है, मिल्क जो है वो भी बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, अगर 25 mm को, हाँ जी, 1 cm 10 mm बराबर होता है, तो ये 2.5 cm बनते हैं, 2.5 cm इक्वल होता है ऑलमोस्ट जो है वो 1 inch के, और अगर 25 mm को हमने कन्वर्ट करना हो ml में, तो ये तो बहुत मतलब 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो बहुत कम मकदार है, ये जो हमने मिल्क ही लेनी है, और जो एंटीजन रिंग एंटीजन लेनी है वो भी जो है वो बहुत कम मकदार में मिलता है, ठीक है, और उसको इनको फिर आपने इनक्यूबेट कर देना 37°C पे 1 घंटे के लिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ डार्क ब्लू रिंग Above a white milk column, ठीक है, डार्क ब्लू कलर की रिंग बन जाएगी, और फिर उस जो रिंग का कलर होगा उसकी बुनियाद पे आप इसकी स्वेटी चेक कर सकते हैं, इससे क्या मुराद है, इसकी स्वेटी या नेगेटिव होगी या +1 होगी, +2, +3 या +4 हो सकती है, वो आप उसके कलर की बेस पे करेंगे, जितना ज्यादा गहरा कलर होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होंगे उस मिल्क के अंदर, तो आप फिर उसको जो कैटेगराइज करना होता है ब्रुसेला के अकॉर्डिंग वो फिर इसके थ्रू करते हैं आप, ठीक है, इसको रोज बंगाल टेस्ट भी कहेंगे शायद। अच्छा, दूसरा टेस्ट देखिए, दूसरा टेस्ट है जी कैलिफोर्निया मस्टाइटस टेस्ट, ये क्या बुलाया जी, ये मस्टाइटस जज करने के लिए होगा, एक है जी होता है आपको पता है सर्फ मस्टाइटस टेस्ट, और एक होता है कैलिफोर्निया, वो यूज होता है सर्फ डिटर्जेंट और कैलिफोर्निया, ठीक है, उसका नाम होगा कह सकते हैं, और जो रिएजेंट यूज होगा उसका नाम होगा CMT reagent, Califor, broth and proliferation of the microbial organism, seems to be quite normal in appearance, but it harbors million of pathogenic germs. और voice issue बाकियों को भी आ रहा है, कट रही है मेरी voice, voice issue आ रहा है, रुकें फिर एक मिनट, रुके फिर जरा देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, चलिएगा वॉइस आ रही है या अभी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, अब वॉइस कुछ बेहतर हुई है या उसी तरह रुक रुक के आ रही है या डिस्टॉर्टेड है, हाँ इट्स ओके, चल ठीक हो गया। तो हम ये देख रहे थे, यही वर्डिंग ही पढ़ रहे थे जो लिखी हुई थी, कोई इतनी खास बात तो नहीं थी, कि ये हम देख रहे थे मिल्क इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर ग्रोथ एंड प्रोलीफ्रेशन ऑफ द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, अच्छा मीडियम है क्योंकि न्यूट्रिटिव होता है, पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाला आइटम है, milk when milk from a cow infected with subclinical mastitis seem to be quite normal in appearance but it harbors million of pathogenic germs,
अब देखें जो सब क्लिनिकल जिसमें मस्टाइटिस होगी, जिसमें सब क्लिनिकल मस्टाइटिस वो होती है जिसमें भी एनिमल ने साइन शो नहीं किए, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, उसकी प्रोडक्शन कम कर दी है उसने, लेकिन कोई उसके थानों की सोजिश नहीं आई, कोई हवाने में खून नहीं आया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, ठीक है, तो वो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मस्टाइटिस का ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसके मिल्क के अंदर तो वो आ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म आगे देखिए विच क्विकली मल्टीप्लाई एंड मे कॉज डिजीज इन ह्यूमन ऑन कंसेप्शन ऑफ द सेम। अब ये हो सकता है कि वो मिल्क अगर ह्यूमन इस्तेमाल करे, जैसे आमतौर पर विलेजेस में कई लोग उबाले बगैर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कहते हैं ज्यादा न्यूट्रिटिव है, डायरेक्ट धारे मार लेते हैं मुंह में, ठीक है, तो वो ये कहता है कि इस तरह का जब मिल्क यूज किया जाए तो मे बी पॉसिबल उसके अंदर ऑर्गेनिज्म हो और कंसेप्शन हो तो वो ह्यूमन में डिजीज काज करें। मस्टाइटिस के जो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज काज करता है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें इकोलाई भी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है, स्टेफलोकोकस भी होता है, ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंसान के अंदर भी डिजीज काज करते हैं, जैसे इकोलाई साल्मोनेला करता है तो इकोलाई इंसान के अंदर भी होता है। इसका नहीं मुझे आइडिया कि ये मिल्क स्पर्मिसाइड भी हो सकता है कि नहीं। अब स्पर्मिसाइडल अगर ब्रूसेला बॉटस होगा, मस्टाइटिस के मिल्क का नहीं पता, ब्रूसेला वाला तो अभी पीछे पॉइंट हमने पढ़ा भी है कि स्टरिलिटी इन ह्यूमंस काज करता है, ठीक है, ब्रूसेला वाला। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं जो ये कर सकता है, मस्टाइटिस मिल्क के अंदर कौन सा ऐसा होता है, या अगर आप डायरेक्ट सिर्फ मिल्क की बात कर रहे हैं तो वो तो गहरी बात है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ भी लिया कि ब्रूसेला होगा तो वो मेल में स्टरिलिटी भी काज कर सकता है स्पर्मिसाइडल। तो अब इसको देखते हैं कि इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं, वो ये सारी मतलब इतना लंबा पढ़े और वो सारा हम करने की कोशिश करें। सिंपली आपको पता है जितना दूध लेते हैं हम, मतलब 2 ml अगर हमने दूध लिया तो 2 ml ही हमने रिएजेंट लेना होता है, ठीक है। सरफ वाला अलहदा टेस्ट है, मस्टाइटिस कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट अलहदा है, सरफ वाले का भी तरीकाकार यही है, उसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो सरफ का सोल्यूशन होता है, और वो कितने परसेंट होता है पहले भी मैंने आपसे पूछा था, एक ने गलत बताया था, अच्छा बाकी ना बताया, सिर्फ इकरा ही बताया, इकरा कितने परसेंट होता है सरफ का जो है वो सोल्यूशन। तो जी इसके अंदर कि जितना हमने मिल्क लेना होता है उतना ही हमने वो लेना होता है अपना थ्री और 5%, यही तो मैंने आपसे पूछना है 3% है या 5% है, क्योंकि पिछली दफा सारे एक तरफ थे और आपका सिर्फ जवाब एक तरफ 3% होता है जी, लास्ट टाइम भी इकरा ने 5% कहा था, तो अब याद कर ले 3% होता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया भी था ये। तो जितना आपने मिल्क लिया उतना ही आपने रिएजेंट लिया, उसको आपने जो है वो मिक्स किया, उसको थोड़ा सा रोटेट किया 10 से 30 सेकंड के लिए, उसके अंदर पॉजिटिव रिएक्शन को आप ग्रेड कर सकते हैं कि जो अपेयरेंस बनी उस मिक्सचर की, जो मिल्क और रिएजेंट के मिलने से जो मिक्सचर बना उसकी जो अपेयरेंस है उसकी बेस पे आप ग्रेड करते हैं कि बीमारी का लेवल कितना है या इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके लिए ये देखें, ये देखें जी, ये नीचे उसने वो दिखाई भी है CMT पैडल, इसको CMT पैडल कहते हैं जो नीचे दिखाया हुआ है, इसमें 4 देखें खाने बने हुए हैं, ये 4 खाने इसके बने हुए हैं कि जो 4 थन होते हैं कैटल के, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले वाले अगले 2 थन, पिछले वाले पिछले 2, तो जब आप टेस्ट कर लेते हैं और जो थन खराब हो, लाजमी नहीं है 4 थन खराब हो, बस का ये होता है कि सिर्फ 1 थन खराब होता है आप फिर उसको ट्रीट करते हैं ना, तो यूं आसानी हो जाती है, आप इसकी ग्रेडिंग अपने जेहन में सोच लेते हैं कि अगले वाले 2 के लिए ये 2 हैं, पिछले वाले 2 के लिए ये 2 हैं। वेट बाय वॉल्यूम क्या चीज, अच्छा इसमें आप देखें ल्यूकोसाइट काउंट होगा पर मिलीलीटर, ल्यूकोसाइट काउंट होगा तो किस तरह होगा, ये ल्यूकोसाइट काउंट जो है, हाँ जी वेट बाय वॉल्यूम बनेगा बिल्कुल, वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम है और उसका वेट आप देते हैं 3 ग्राम, तो वेट बाय वॉल्यूम ही है। अच्छा ल्यूकोसाइट काउंट इतना हो सकता है, ठीक है, बिलो 2 लाख हो सकता है, ठीक है, आगे फिर इस तरह उसने दिया हुआ है
50 लाख तक ये जा सकता है। अब ये किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि कितना है टेस्ट की अपेयरेंस में? अगर तो मिक्सचर लिक्विड ही बनेगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, डिस्क्रिप्शन नेगेटिव। और अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 25% तक इफेक्टेड है अगर ल्यूकोसाइट काउंट 2 लाख से नीचे है। अगर ये 5 लाख तक पहुंच जाएगा तो स्लाइड प्रेसिपिटेशन होगी, और आप थोड़ा सा उसको हलाएंगे मिल्क को तो वो प्रेसिपिटेशन गायब हो जाएगी। आपको थोड़ी सी नजर तो आएगी कि यार आई तो थी प्रेसिपिटेशन ये मिल्क के अंदर अभी नजर, लेकिन गायब होगी। तो फिर ये इसको आप स्कोर देंगे 1, कि ट्रेस अमाउंट में मौजूद है, ऑलमोस्ट 50% इन्फेक्टेड है मिल्क, इन्फेक्टेड है लेकिन थोड़ा इन्फेक्टेड है। उसके बाद अगर 15 लाख तक ल्यूकोसाइट काउंट हो जाएगा तो इसके अंदर आपको प्रेसिपिटेट तो नजर आता है लेकिन जेल नजर नहीं आती, तो आप इसको सीएमटी स्कोर दे देंगे 1, और डिस्क्रिप्शन इसको देंगे वीक पॉजिटिव, और परसेंटेज आप कह देंगे 75। अगर 50 लाख तक होगा तो जेल फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 नंबर आप देंगे इसको सीएमटी को, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव और 90%। और अगर 50 लाख से भी ऊपर हो जाएंगे ल्यूकोसाइट काउंट पर मिलीलीटर तो स्ट्रॉन्ग जेल फॉर्मेशन हो जाएगी, और पैडल के साथ वो बल्कि चिमट जाएगी। ये अब डिफरेंट उसने बताई हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको आपने ये देख लेना है और रट्टा मार के इसको आप याद करेंगे। इस खाने में उसने टेस्ट की अपेयरेंस बताई हुई है, इधर सीएमटी स्कोर बताया हुआ है, कैलिफोर्निया मस्काइटस टेस्ट स्कोर, ये ग्रेडिंग है ना कि कितने लेवल तक कंटेमिनेट हुआ है मिल्क आपका, ये उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, और ये परसेंटेज इन्फेक्टिव बताया हुआ है। और ये पहले वाला खाना ल्यूकोसाइट काउंट पर मिलीलीटर है। तो इस तरह ये जी मिल्क मास्टाइटिस टेस्ट हो गया। उसके बाद आप आ जाएं रिसेसुरिन टेस्ट, ये टेस्ट है जी रिसेसुरिन, ये देखें जी ये क्या बुला है। रिसेसुरिन टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर हाइजीन एंड द पोटेंशियल कीपिंग क्वालिटी ऑफ रॉ मिल्क, रॉ मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज होता है रिसेसुरिन। बेसिकली है क्या चीज, ये एक डाई इंडिकेटर है, ठीक है, कलर इंडिकेटर है ये। अंडर स्पेशल स्पेसिफाइड कंडीशन रिसेसुरिन इज डिसॉल्वड इन डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर, द रिसेसुरिन सॉल्यूशन कैन लेटर बी यूज्ड टू टेस्ट द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन ए गिवन मिल्क सैंपल। रिसेसुरिन एक जो है जी वो डाई है, डाई इंडिकेटर है, और इसको हम माइक्रोबियल एक्टिविटी मिल्क की चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो होता है इसका 3 तरह का होता है, 10 मिनट वाला एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है 1 घंटे वाला, एक टेस्ट होता है उसको 3 घंटे लगते हैं। अब जो फील्ड के अंदर अगर आप करेंगे तो 10 मिनट वाला ही आप कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि 1 घंटा या 3 घंटे बैठे कहीं पे। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर लैब है और वहां पे कोई सैंपल के लिए आया है मिल्क, उधर तो आप उसको 3 घंटे भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की टाइमिंग पे इसकी डिपेंड होता है, 10 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर और 3 आवर, 3 तरह का इसमें रिसेसुरिन टेस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है द 10 मिनट रिसेसुरिन टेस्ट इज यूजफुल एंड रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट यूज एट द मिल्क प्लेटफॉर्म, कि ज्यादातर ये 10 मिनट वाला टेस्ट यूज होता है। अगला पॉइंट, द 1 आवर टेस्ट एंड 3 आवर टेस्ट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिल्क क्वालिटी। वो कहता है ज्यादा वैसे जो एक्यूरेट फिगर्स हैं वो 1 घंटे और 3 घंटे वाला टेस्ट देता है, बट वो कहता है इसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए और लेबॉरेटरी चाहिए। इसके बाद जी उसने ये रिएजेंट्स बता दिए डिफरेंट, कौन कौन से यूज होंगे। रिसेसुरिन टैबलेट्स की शक्ल में आता है वो यूज होगा, टेस्ट ट्यूब्स यूज होंगी, डिस्पेंसर यूज होगा, पाइपेट यूज होगी, वाटर बाथ यूज होगा, और रिसेसुरिन डिस्क यूज होंगी। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसमें क्या किया जाता है। पहला पॉइंट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ रिसेसुरिन एज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 टैबलेट टू 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड स्टीराइल वाटर। क्या आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, स्टीराइल जरासीम से पाक वाटर लेना है, उसमें आपने 50 ml वाटर लेना है 50 ml, और उसमें 1 टैबलेट आपने डाल देना रिसेसुरिन की। रिसेसुरिन सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट, ये कुछ एहतियातें हैं।
एंड इट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 8 आवर्स बिकॉज इट लूजेस सल्फेन। दो उसने बातें दी हैं कि रसेजोरिन जो सोल्यूशन आपने बना लिया, एक तो उसको 8 घंटे से ज्यादा नहीं रखना और दूसरा उसको सूरज की रोशनी नहीं देनी, ठीक है। ये दो उसने बातें बताई। आपने क्या करना है, मिक्स द मिल्क एंड द विद अ सैनिटाइज डिपर आउट 10 ml मिल्क इन टू स्टीराइल टेस्ट ट्यूब। आपने 10 ml मिल्क लेना टेस्ट ट्यूब के अंदर और 1 ml रिसेजोरिन सोल्यूशन जो हमने बनाया था ऊपर, वो 1 ml आपने डाल देना है उसमें। स्टॉपर विद द स्टीराइल स्टॉपर मिक्स जेंटली द डाई इनटू द मिल्क एंड मार्क द ट्यूब बिफोर द इनक्यूबेशन इन ए वाटर बाथ। उसके बाद आपने उसको जो है इनक्यूबेट करना है वाटर बाथ में और उसके बाद उसकी जो रीडिंग है उसको आपने नोट कर लेना है। ये देखिएगा, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए लोवी बॉन्ड कंपैरेटर विद रिसेजोरिन डिस्क। ये इक्विपमेंट है लोवी बॉन्ड कंपैरेटर और वहां पे डिस्क मौजूद होगी आपके पास साथ रिसेजोरिन डिस्क। एंड कंपेयर इट कलोरीमेट्रिकली विद द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 10 ml मिल्क ऑफ द सेम सैंपल बट विदाउट द डाई, ठीक है। मतलब वो कहता है कि आपने दो टेस्ट ट्यूबें लेनी है ऐसे और ए जो है वो 10 ml इसके अंदर आप मिल्क डालेंगे, 1 ml आप इसके अंदर जो है वो सोल्यूशन डालेंगे रिसेजोरिन सोल्यूशन डालेंगे, ये डालने के बाद आप इसको वाटर बाथ के अंदर इनक्यूबेट करेंगे। वाटर बाथ में इनक्यूबेट करने के बाद आपने क्या करना है, 10 ml सैंपल और ले लेना है उसी मिल्क का लैदा और इन दोनों सैंपल्स को एक जिसको हमने ट्रीट किया सोल्यूशन डाल के और दूसरा सिंपल वही वाला मिल्क जो इसको हमने टेस्ट करना है, इन दोनों के कलर्स को हम कंपेयर कर लेंगे किसकी मदद से, हमारे पास एक होगा लोवी बॉन्ड कंपेरेटर और उसमें रिसेजोरिन डिस्क होंगी, ये इक्विपमेंट का नाम है। इसलिए यहाँ पे बस जो मेन चीज याद रखने की है वो इस इक्विपमेंट का नाम याद रखने का है और रिसेजोरिन याद रखने का, बाकी चीजें तो जैसे वो टेस्ट कैसे होगा, दो ट्यूबें लेंगे दोनों में मिल्क डालेंगे कंपेयर करेंगे, वो चीज याद रखने की इतनी फिलहाल इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं है वन पेपर के हवाले से, क्योंकि ये कोई हम लेबॉरेटरी में तो जान नहीं रहे। ये उसने जी रीडिंग और रिजल्ट्स दिए हुए हैं 10 मिनट के हवाले से, ये टेबल याद रखने वाला है। ये डिस्क है वो जो बता रहा था पीछे, डिस्कों के नंबर होते हैं डिफरेंट और ये अगला कॉलम आ गया कलर का, वो जो मिल्क का सैंपल होगा वो डिफरेंट कलर देगा, उस कलर के मुताबिक हम ग्रेड करेंगे और फिर एक्शन लेंगे कि हमें क्या करना है। अब जैसे रिसेजोरिन डिस्क नंबर 6 यूज हुई, उस पे जो आया जो डिस्क है वो 6 नंबर उस पे आया जब हमने उसको कंपेयर किया, ठीक है, और कलर क्या आया जी ब्लू। ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, 6 नंबर होगा तो ही ब्लू होगा, 5 नंबर होगा तो लाइट ब्लू होगा, 4 नंबर होगा तो पर्पल होगा, 3 नंबर होगा तो पर्पल पिंक होगा, 2 नंबर होगा तो लाइट पिंक होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, कलर ब्लू होगा तो उसकी क्वालिटी आप करेंगे एक्सीलेंट है और एक्सेप्टेबल है, और सबसे आखिरी देख लें जहाँ 0 होगा वाइट कलर होगा तो ये वेरी बैड होगा, ये इंडिकेट करेगा कि मिल्क की क्वालिटी बहुत ज्यादा बैड है और आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक सबसे ऊपर वाला देख लें और एक सबसे नीचे वाला देख लें, सारे तो याद होने से थे कि ब्लू कलर के ऊपर एक्सीलेंट क्वालिटी है और वाइट कलर के ऊपर वेरी बैड क्वालिटी है, और आपको ये जज हो जाएगा कि ये माइक्रोबियल, इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ज्यादा है। रिसेजोरिन टेस्ट, इसको हम दोबारा से एक मतलब इसके मेन पॉइंट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल टेस्ट था और बोरिंग सा था। इसमें ये है जी रिसेजोरिन टेस्ट के अंदर रिसेजोरिन जो है वो यूज होता है, ये एक डाई इंडिकेटर है, कलर इंडिकेटर है, ये हम बेसिकली ये यूज करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक करने के लिए मिल्क के अंदर कि मिल्क में कितने माइक्रोब्स हैं। इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो रिसेजोरिन है और इसके साथ में कुछ मशीनें यूज होती हैं, लोवी बॉन्ड कंपेरेटर मशीन और कुछ डिस्कें होती हैं रिसेजोरिन डिस्क। बस आपने इतना ही याद रखना है, बाकी क्या कुछ टेस्ट में करते रहते हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं। और आपने देखना है कि जो डिस्कें होती हैं उसके ये नंबर होते हैं 0 से लेके 6 तक, 6 नंबर होगा तो ब्लू कलर आएगा और एक्सीलेंट क्वालिटी होगी मिल्क की, और सबसे आखिरी आपने देख लेना है 0 नंबर आएगा तो वेरी बैड क्वालिटी होगी और उस मिल्क को आप रिजेक्ट कर देंगे।
ये सिंपली आपने चार पॉइंट देखने हैं, बाकी की जो लंबी चौड़ी डिटेल है उसको आपने स्किप कर देना। उसके बाद देखें जी वायबल काउंट। वायबल से क्या मुराद होता है? जिंदा, कोई चीज जिंदा कितनी है। तो द प्लेट काउंट मेथड ऑफटेस्ट इज डन बाय सीरियल डिलीशन ऑफ मिल्क सैंपल। ये आमतौर पे आपने बस इसमें ये याद रखना है कि ये वायबल काउंट एक माइक्रोबियोलॉजी का टेस्ट है जो मिल्क के लिए यूज होता है। ये टेस्ट यूज होता है मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए, और इसमें हम सीरियल डिल्यूशन करते हैं मिल्क सैंपल की। अब इसको देखिएगा, इसकी थोड़ी सी जो है तफसील। द प्लेट काउंट मेथड ऑफ टेस्ट इज डन बाय सीरियल डिल्यूशन ऑफ मिल्क सैंपल। क्या आप मिल्क सैंपल की सीरियल डिल्यूशन करेंगे, और किस चीज में करेंगे? स्टीराइल रिंगर सोल्यूशन में। रिंगर सोल्यूशन में आपने डिल्यूट करते जाना है मिल्क को। इनकॉर्पोरेटिंग इन यीस्ट एक्सट्रैक्ट मिल्क एगर इन 10 सेंटीमीटर पेट्री डिश एंड देन इनक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 72 आवर्स। नंबर ऑफ कॉलोनीज मल्टीप्लाइड बाय काउंट इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिल्क। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, एक पेट्री डिश लेनी है, बाकी सारे